हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक हो, खुश हो गए। आज का व्लॉग है मेरे बेटे की बर्थडे के ऊपर, तो अभी हम आए उसकी बर्थडे के लिए केक ऑर्डर करते हैं, तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, मैंने चॉकलेट वाला केक पसंद किया है और ऑर्डर पर वो बनाने दे दिया। अभी हम आए हैं शॉप पर गौरव के लिए शॉपिंग करने। मुझे उसके लिए जीन्स और टी शर्ट लेनी है, तो चलिए अब हम अंदर चलते हैं और देखते हैं कि हमें कौन से कपड़े पसंद आते हैं गौरव के लिए। बस यहाँ पर अब हम अंदर आए हैं और यहाँ पर बहुत सारे वैरायटी के कपड़े अवेलेबल है। और ऐसे शॉर्ट तो गौरव बहुत पहन चुका है, और बस अब मैं गौरव के लिए कोई भी अच्छी सी जीन्स चूज कर रही हूँ। मुझे ये वाली बहुत पसंद आई है। बस हम यहाँ पर चूज़ कर रहे हैं गौरव के लिए कोई भी अच्छी सी टी शर्ट जो उसके ऊपर सूट करे बर्थडे वाले दिन। जो सेंटर में ट्राउज़र है मुझे बहुत पसंद आया है गौरव के लिए, फौजी स्टाइल में है। सो फ्रेंड, सॉरी कहती हूँ आप लोग को, मैं आप लोग को बताना भूल गई थी कि मैंने गौरव के लिए बर्थडे में कौन से कपड़े लिए ही, क्योंकि मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था शॉप पर ही। तो यहाँ पर दूसरा दिन है बर्थडे का, बर्थडे वाले दिन गौरव सो रहा है। आज गौरव जल्दी नहीं उठ सका, नहीं तो एवरी मॉर्निंग वो जल्दी उठता है, मगर रात को हम लेट से आए थे, लेट शॉपिंग करके आए थे, इस वजह से वो अभी उठ नहीं सका है। यहाँ पर मैं उसे उठा रही हूँ कि गौरव आप उठ जाओ, आज आपकी बर्थडे है, और मैं उसे विश भी कर रही हूँ बहुत प्यार से, मगर गौरव को तो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा क्योंकि वो इतनी गहरी नींद में सोया हुआ है। वैसे वो खुद ही जल्दी उठ जाता है और मुझे भी उठाता है, मुझे कहता है मम्मा आप उठ जाओ, मुझे ब्रेकफास्ट करना है, और मैं उसके कहने से उठती हूँ, मगर आज बर्थडे वाले दिन मुझे उसे उठाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर गौरव को देख के तो ऐसा लग रहा है कि उसकी नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं हुई है, तो वो इतनी गहरी नींद में सोया हुआ है। मैंने बहुत ही कोशिश की उसे उठाने की, मगर वो नहीं उठ रहा। तो चलिए मैं थोड़ी देर बाद आऊँगी और फिर मैं उसे जगाने की कोशिश करूँगी। तो रात का मेन्यू है चिकन कौरमा, बस उसी की तैयारी कर रही हूँ, तैयारी हो चुकी है, बस अब मैं चिकन को मैरिनेट करूँगी। तो मैंने चिकन को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और बस मैं अभी इसे मैरिनेट करूंगी। अब मैं चिकन को 2 घंटे के लिए मैरिनेट करने छोड़ दूंगी, तब तक मैं पूरे घर की सफाई कर लूंगी अच्छे से, और फिर मैं जब घर की पूरी सफाई हो जाएगी फिर मैं किचन में आऊंगी और फिर मैं कौरमा बनाऊंगी। तब तक हमारा चिकन भी अच्छे से रेडी हो जाएगा, मैरिनेट हो जाएगा, अच्छे से मसाला लग जाएगा। तो चलिए अभी रूम में जाके देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अब मैं रूम में आई हूँ, यहाँ पर मेरे हस्बैंड वॉल डेकोरेट कर रहे हैं। तो बस ये देखिए फ्रेंड्स, पूरा टेबल बिखरा हुआ है क्योंकि मेरे हस्बैंड यहीं पर सब सामान रख के ना वॉल डेकोरेट कर रहे हैं। यहाँ पर मैं फ्रूट सर्व कर रही हूँ गौरव और उसके पापा को, ताकि जो पूरे दिन की एनर्जी वेस्ट हुई है मेरे हस्बैंड की, वो फिर से एनर्जी उनकी आ जाए। As you can see guys, आप देख सकते हैं यहाँ पर आधी वॉल डेकोरेट हुई है, मगर बहुत अच्छी लग रही है। और पूरी जब इसका प्रोसेस हो जाएगा डेकोरेट होने का, फिर मैं आपको बताती हूँ कि कैसी लग रही है। हाँ तो भाई, सेटअप कहाँ तक पहुँचा है? मलीर से जागीर रोड तक पहुँच गया। मलीर से जागीर रोड, ये कौन सा रोड है? जो केमाड़ी से मनोड़ा तक जाता है। ओ वाओ, तो देखिए गाइस रेडी हो रहा है, मेरे हस्बैंड जो है डेकोरेट कर रहे हैं वो, तो बस थोड़ा सा ही अब रह गया है, फिर फुल डेकोरेट हो जाए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि कैसा बना है। तो गाइस ये देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे तो,
और ये मेरे हस्बैंड की मेहनत है, वो डेकोरेट कर रहा है और मैं किचन में काम कर रही हूँ। बहुत बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग, आप लोग देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक प्लेट केक के लिए। दीदी भाई बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। तो गौरव आप हमें कितना केक दोगे? एक प्लेट? एक प्लेट। एक ही दोगे? और क्या दे रहे हैं आप? कुछ खाना वाना और कुछ दोगे? और क्या है मेन्यू में आज? खाना खिलाओगे आपको? नहीं, हमें क्या चाहिए, हमें क्या दोगे आज के मेन्यू में? आप हमें क्या दोगे ये तो बता दो। गिफ्ट देंगे भाई, आपने सुना? हमें गिफ्ट दोगे आप? हमें गिफ्ट दोगे आप? दोगे हमें गिफ्ट? बड़ी मेहरबानी भैया आपकी। तो गौरव चलो चले, हम चलते हैं, हम हेयर कटिंग करने चले। कमोन लेट्स गो, कमोन 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 लेट्स गो। हम जा रहे हैं हेयर कटिंग करवाने, ठीक है गौरव? चलो आ जाओ। आप कहाँ जाओगे? हेयर कटिंग करवाने। ओके चलो चलो हम जाएंगे, ठीक है, कमोन। ओ वीडियो बनानी है आपने? ओके बनाओ वीडियो। क्या बोलना है आपने? आज क्या है गौरव, आज क्या है? नहीं आज, आज ये बलून्स बलून्स क्यों लगाए हमने यहाँ पर, आज क्या है? हैप्पी बर्थडे। किसकी हैप्पी बर्थडे? आपकी हैप्पी बर्थडे। ओ वाओ, हैप्पी बर्थडे गौरव, हैप्पी बर्थडे। आ जाओ तो गाइज, आज आप देख रहे हैं, आज हम प्रिपेयर हो रहे हैं गौरव की बर्थडे के लिए। ये हमने खुद घर में सेटअप किया है क्योंकि बाहर हम जा नहीं सकते, क्योंकि अभी तक जहां हम रहते हैं यहां पर गैदरिंग करना मना है। इस वजह से हमने गौरव की बर्थडे का जो प्लान है वो हमने अपने घर में ही करने का सोचा है। तो गौरव को आप देख रहे हैं, गौरव बहुत एक्साइटेड हो रहा है क्योंकि गौरव को आज केक कटिंग करना है। और अब हम जा रहे हैं एक हेयर ड्रेसर पर, ड्रेसर के पास, और गौरव की कटिंग करवा कर फिर दोबारा आपसे मिलते हैं। तो गाइज यहाँ पर वॉल डेकोरेट हो चुकी है और डेकोरेट होने के बाद कुछ इस तरह से नज़र आ रही है। सो मेरा बेटा गौरव और मेरे हस्बैंड बाहर गए हैं गौरव के हेयर कट करवाने, जैसे कि उन्होंने आपको बताया था। और यहाँ पर लॉकडाउन है तो गैदरिंग करना भी अलाउड नहीं है क्योंकि यहाँ पर चेकिंग भी हो रही है। तो फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं गौरव की बर्थडे का केक लेने, और मैंने गौरव को भी रेडी कर लिया है पूरा, और मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, खाना वगैरह सब कुछ रेडी कर लिया है, और बस हम लास्ट में आए हैं केक लेने। और गौरव की जीन्स हमने ये पसंद की थी ब्लैक वाली, और येलो टी शर्ट उसके साथ, क्योंकि जो ट्राउज़र मैंने पसंद किया था वो गौरव की साइज़ का बिल्कुल भी नहीं था। तो फाइनली हमने ये वाली टी शर्ट और जीन्स गौरव के लिए ली। और बस यहाँ पर केक रेडी हो चुका है, वो बस उसे पैक कर रहे हैं केक को। गौरव आपको बर्थडे में कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। गौरव एक्साइटेड है केक को देखकर? एक्साइटेड है काफी? नहीं अभी नहीं। नो गौरव अभी नहीं, आपको नाइफ लग जाएगी मुंह में। नो गौरव नो, अभी नहीं। गौरव बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और मुझे बार बार पूछ रहा था कि मम्मा कब कटिंग करेंगे, कब कटिंग करेंगे। मगर हम एक फैमिली का वेट कर रहे थे, हमने लॉकडाउन की वजह से किसी को भी इनवाइट नहीं किया था,
और बस वो हमारी एक ही फैमिली थी जिसे हमने इनवाइट किया था, वो भी हमारे नेबर हैं और उनके साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, तो बस उन्हीं को इनवाइट किया है, उनका वेट कर रहे हैं, वो आ जाएंगे तो बस हम फिर केक कटिंग करेंगे। सो फाइनली फ्रेंड हमारे गेस्ट आ चुके हैं और बस हम यहाँ पर केक कटिंग कर रहे हैं। गौरव मेरा बेटा हो गया है 3 साल का और बस अब केक कटिंग हो रहा है। तो फ्रेंड अब हम यहाँ पर इन दोनों का फ़ोटोशूट कर रहे हैं और फिर उसके बाद हम केक कटिंग करेंगे। और बस यही था आज का व्लॉग, कुछ चीज़ें मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं अकेली हूँ, मेरा यहाँ पर कोई हेल्पर नहीं है और मुझे ही सब शूट करना पड़ता है। तो कुछ चीज़ें मैं शूट कर पाती हूँ और कुछ ऐसी होती है जो मैं नहीं कर पाती हूँ, तो उसके लिए प्लीज़ मैं आप लोगों से सॉरी कहती हूँ। और अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरे चैनल को। और अब मुझे दीजिए इजाज़त ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे व्लॉग लाती रहूँ।